नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खींवसर एसडीएम कार्यालय के बाहर बहुजन समाज के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर हाथरस जिले में हुए सामूहिक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए सामूहिक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने और दलित महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में बहुजन समाज के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजकेश मीना को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि खींवसर उपखंड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के दौर में पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया है, महिलाएं दलित असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में इस नकारा सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश में के हाथरस जिले में हुए शर्मनाक सामूहिक बलात्कार कांड के सभी आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाने के लिए कड़े कदम उठाए जाए और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर नीमाराम मेघवाल, जिला प्रभारी नागौर, प्रहलाद राम, मुकेश मेहरा, शोभा राम मेहरा, बुद्धाराम मेघवाल, चैना राम, ओम प्रकाश, शिया राम सहित बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग मौजूद रहे। खींवसर से कमल किशोर तंवर की रिपोर्ट। बहुत दर्दनाक घटना है। आज देश के अंदर महिलाओं के ऊपर जो जितना अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। इनके खिलाफ एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है। जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी से अगर कोई अधिक सजा है तो वो भी दे।